नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बारे में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर रहेंगे जो पंजाब टारगेट करना चाहेगी और ऐसे कौन कौन से प्लेयर रहेंगे जो पंजाब के लिए हॉट पिक्स बन सकते हैं खिलाड़ियों के मामले में, जो कि अगर उनके टीम में आ जाए तो उनका जो स्क्वाड है और उनका जो प्लेइंग इलेवन है काफ़ी मजबूत बन जाएगा और उनकी जो कमजोरी है मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी और उनकी जो गेंदबाजी है वो पूरी तरीके से मजबूत बन जाएगी और हमें IPL 21 में एक आइडल प्लेइंग 11 और स्क्वाड देखते हुए नजर आएगी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। दोस्तों, कौन कौन से रहेंगे ये खिलाड़ी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप किंग्स इलेवन पंजाब के, KL राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से जुड़ी हुई और IPL 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी बात करनी हो हमसे तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना जो सपोर्ट है बनाते रहिए, ताकि जो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, वो पूरा हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि जो खबर निकल के सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि जो IPL 21 का ऑक्शन होने वाला है वो रखा गया 18 फरवरी 2021 को। जो ऑक्शन का डेट है वो तो 18 फरवरी तय हो गया है, वहीं पर जो उसका वेन्यू है वो डिसाइड कर दिया गया है चेन्नई में। तो ऐसे में पंजाब की टीम चाहेगी कि इस ऑक्शन में अच्छा खासा कमाल किया जाए, क्योंकि जो 8 टीमें लड़ने वाली हैं IPL 21 में, उनमें एक दिलचस्प मुकाबला में देखने को मिलने वाला है। जिस तरह IPL 20 में पंजाब की टीम बाहर हो गई अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की कमजोरी की वजह से, तो पंजाब की टीम चाहेगी कि अपने इस कमजोरी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और अच्छे अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज जो है टीम में ऐड किया जाए, क्योंकि जो पंजाब का मौजूदा पर्स अमाउंट है वो इस समय 53 करोड़ रुपये बने हुए हैं। तो पंजाब की टीम जो इस समय सबसे हाईएस्ट पर्स अमाउंट के मामले में चल रही है, तो पंजाब की टीम चाहेगी कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा अच्छी तरीके से उठाया जाए और अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है खरीदे जाएँ, ताकि जो उनका स्क्वाड है और उनकी जो प्लेइंग 11 है एक मजबूत बन जाए और IPL 21 का जो खिताब जीतने का सपना है वो पूरा हो जाए इन खिलाड़ियों के आने के बाद। तो अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो लिस्ट निकल के सामने आ रही है कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं IPL ऑक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उनमें से पंजाब जो है किन में ज़्यादा दिलचस्पी जो दिखा सकती है ऑक्शन के मामले में, दोस्तों पहले नंबर पे आता अगर हम बात करें पीयूष चावला के बारे में, क्योंकि पंजाब को चाहिएगा उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है काफ़ी मजबूत हो जाए। ऐसे में पंजाब के पास अभी मौजूदा 2 स्पिनर बने हुए हैं जिनका जो नाम है वो है रवि बिश्नोई और मुर्गन अश्विन। तो पंजाब की टीम चाहेगी कि एक अच्छा स्पिन गेंदबाज है, ताकि उनकी टीम को एक विकल्प मिल सके स्पिन के डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलेक्स कैरी, कीमो पॉल, तुषार देशपांडे, संदीप लामिचाने, मोहित शर्मा, जेसन रॉय, ग्लेन मैक्सवेल, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गिन, हैरी गुरने, निखिल नायक, सिद्धेश लाट, टॉम बैटन, प्रिंस बलवंत राय, लसित मलिंगा, नाथन कुल्टरनाइल, जेम्स पैटिनसन, सरफन रुदरफोर्ड, मिचेल मैकलनगन, स्टीव स्मिथ, अंकित राजपूत, ओसेन थॉमस, शशांक सिंह, टॉम कुरन, वरुण एरोन, क्रिस मॉरिस, उमेश यादव, मोइन अली, एरोन फिंच, पवन नेगी, इसरू उदाना, गुरकिरत सिंह मान, बिली स्टेनलेक, संदीप बवाना, फेबियन एलन, संजय यादव, पृथ्वीराज अयारा। और अगर हम बात करें नए खिलाड़ियों के मामले में तो डेविड मलन, जाय रिचर्डसन भी जो है IPL ऑक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो पंजाब की टीम चाहेगी कि इन सारे जो खिलाड़ी हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको जो पंजाब की टीम जो है ज़रूर बिडिंग करे और किसी ना किसी खिलाड़ी को जो है जीत कर अपने टीम में लाया जाए। और ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच विनर साबित हो सकते हैं पंजाब की टीम के लिए, अगर पंजाब की टीम में ये खिलाड़ी आते हैं तो, क्योंकि इन खिलाड़ी का जो खेलने का तजुर्बा है IPL का वो काफ़ी अच्छा रहा है, इन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करके दिखाया भी है। तो पंजाब आपकी टीम चाहिए कि इन पे जो है ज़रूर बिडिंग की जाए और उनकी जो कमजोरी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और जो 53 करोड़ का अमाउंट है उसको एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपने प्लेइंग 11 और अपने खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से पिक किया जाए। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऐसे हॉट पिक्स खिलाड़ी कौन कौन से हो सकते हैं पंजाब की टीम के लिए, जो कि पंजाब डेफिनेटली यानी कि 101% उन पर बिडिंग करने ही वाली होगी और पंजाब की टीम जो है इनको चाहेगी कि अपने टीम में ले ले।
दोस्तों पहले नंबर पे आते अगर हम बात करें तो मिचेल मैकलेनगन। मिचेल मैकलेनगन मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेले हुए हैं, इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है। और बात करें रोहित शर्मा की, तो जब भी इन्होंने भरोसा जताया है मिचेल मैकलेनगन पे, तो आकर के विकेट लेकर गए हैं और टीम को राहत भी दिया है। तो ऐसे मिचेल मैकलेनगन जो है ये पहले विकल्प रहेंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, जो कि पंजाब की एक कमजोर कड़ी रही है, तो इनको जरूर खरीदना चाहेगी पंजाब IPL ऑक्शन 2021 के लिए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें बल्लेबाजी के रूप में, तो आ सकते हैं स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ पंजाब की टीम को जो है मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छी खासी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। और बात करें स्टीवन स्मिथ की, तो एक चतुर बल्लेबाज, अच्छे खासे बल्लेबाज है, तो पंजाब की टीम चाहेगी कि ये एक जो है बल्लेबाज इनका स्तंभ बन सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए, तो इनको जरूर खरीदा जाए। वहीं अगर हम बात करें ऑलराउंडर के रूप में, तो पंजाब की टीम जो टारगेट कर सकती है शिवम दुबे को, जो कि एक इंडियन ऑलराउंडर हैं और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेल भी चुके हैं। टॉम गुरन को भी जो है टीम टारगेट करना चाहेगी। वहीं अगर हम बात करें क्रिस मॉरिस की, तो इनके पास भी टीम एक बार जा सकती है। बात करें क्रिस मॉरिस की, तो IPL 2020 में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के मामले में। अगर बात करें हम गेंदबाजी के मामले में, तो क्रिस मॉरिस का जो इकोनॉमी है RCB के गेंदबाजों से सबसे अच्छा रहा था क्रिस मॉरिस का, तो ऐसे में पंजाब की टीम जो है इन पर भी रुक कर सकती है। वरुण एरोन के पास भी जो है पंजाब की टीम जा सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना दिलचस्पी जो है पंजाब की टीम दिखाएगी वरुण एरोन में। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये सारे जो खिलाड़ी है क्या इनको पंजाब की टीम टारगेट करे या ना करे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें इंडियन ऑलराउंडर के रूप में, तो पवन नेगी के पास भी जो है टीम जा सकती है। पवन नेगी एक अच्छे खासे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। IPL 20 में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था RCB की टीम की तरफ से, और इसी के चलते ये हो गए रिलीज़। तो ऐसे पंजाब की टीम जो है पवन नेगी पर भी एक बार भरोसा जता सकती है। और बात करें गेंदबाजी के लिए, तो इसरो उदाना बिली स्टैनले के पास भी जो है टीम जा सकती है। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी के रूप में, तो आपके पास आ सकते हैं संदीप लामिचाने, मोहित शर्मा, और अगर बात करें तो अच्छा गेंदबाज जाय रिचर्डसन के रूप में खा रहा है निकल के सामने, तो वो भी जो है पंजाब की टीम उनको टारगेट करना चाहेगी। और IPL ऑक्शन में जो उनके खिलाड़ी रहेंगे, जो उनके स्क्वाड रहेंगे, पूरी तरीके से जो है मजबूत करना चाहेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इन सारे खिलाड़ियों के बारे में, क्या पंजाब इन्हें टारगेट करे कि नहीं करे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो नैथन कुल्टर-नाइल, जेम्स पैटिंसन एक अच्छे विकल्प साबित होंगे पंजाब की टीम के लिए। और एक सबसे अच्छा तगड़ा गेंदबाज जिनका नाम है मिचेल स्टार्क, तो पंजाब उसको किसी भी तरीके से जो टारगेट करेगी और चाहेगी कि उनके पीछे भागा जाए इस IPL ऑक्शन में। बात करें मिचेल स्टार्क की, तो काफ़ी अच्छे गेंदबाज रह चुके हैं RCB की टीम की तरफ से, उन्होंने खेला है और इनकी इकोनॉमी और इनका परफॉर्मेंस RCB की टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। तो पंजाब की टीम चाहे किसी भी तरीके से मिचेल स्टार्क को खरीदा जाए अपने टीम में, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर आते हैं तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा जो है विकल्प लेकर सामने आएंगे। और बात करें बल्लेबाजी के रूप में, तो पंजाब की टीम टारगेट करना चाहेगी एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल को, जेसन रॉय को, और बात करें एलेक्स हेल्स और डेविड मलन को। ये चार ऐसे बल्लेबाज अगर पंजाब की टीम इन्हें टारगेट करती है, और इन चारों में से कोई दो बल्लेबाज अगर पंजाब की टीम में आ जाता है, तो उनका जो प्लेइंग 11 और उनका जो स्क्वाड है पूरी तरीके से मजबूत दिखाई देगा बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे गेंदबाज को खरीद के पंजाब की टीम अपनी एक आइडल प्लेइंग 11 और एक आइडल और एक स्ट्रॉन्ग जो है टीम बना सकती है IPL 21 के लिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इन सारे खिलाड़ियों के बारे में, पंजाब जो है किनको टारगेट करे और किन्हें जो है टीम में लेकर आए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे कोई वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।